हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ना मालूम बात क्या है, आज बड़े साहब यहाँ पर नहीं आए हैं। खैर कोई बात नहीं, बड़े साहब नहीं हैं तो क्या हुआ? शर्मा जी विश्वकर्मा जी तो हैं साहब। हाँ बोलो साहब। ईद का त्योहार आ गया है। हाँ। थोड़ा कुछ अगर आपकी तरफ से बख्शीश मिल जाए तो थोड़ा पीने खाने के लिए। जब मैं बख्शीश नहीं पाता हूँ आपको कहाँ से दूँ बख्शीश? हाँ आप बख्शीश नहीं पाते हैं? नहीं पाते हूँ साहब। आपका हौदा तो हमसे बड़ा है। अरे तो ये खाना खाते हुए हौदा हो गया ज्यादा ना, इसीलिए। आप हमसे बड़े हैं सर। हाँ बोलो। इसलिए मैं छोटा हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ मदद कर दीजिए ना सर। पैसा तो है नहीं अभी। क्या सर आपकी पगार नहीं हुई अभी? अभी तो तनख्वाह नहीं हुई है ना। तनख्वाह हो जाएगी तभी आपको पैसा मिलेगा। आप लोग तो हमसे ज्यादा भिखारी लगते हैं। और क्या। खैर कोई बात नहीं, बड़े साहब को आने दीजिए, हम साहब से उधार मांग लेंगे। ठीक है। समय हो गया है, बड़े साहब आने वाले हैं। चलो ठीक है, अब हमको बड़े साहब से ही कुछ पैसा मांगना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग चलो खड़े होते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज ईद का त्योहार है। बड़े साहब से मैं कुछ बख्शीश मांगने वाला था, लेकिन बड़े साहब तो हमारे उदास लगते हैं। आज मैं साहब से उदासी का कारण जरूर पूछूंगा। साहब अगर आप कहें तो आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। साहब पूछो चौकीदार, क्या पूछना चाहते हो? साहब आज ईद का त्योहार है, पूरे धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है साहब, लेकिन आज आपके चेहरे पर उदासी का कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सर। आखिर बात क्या है हम लोगों को बताइए ना सर। चौकीदार साहब आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि साहेब ये उदासी का कारण क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आज तो पहला चौकीदार है जो कि मुझसे सवाल कर दिया कि साहेब ये उदासी का कारण क्या है और आपकी आंखों में आंसू क्यों? हाँ क्यों है सर? चौकीदार साहब मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। जी साहब। मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर से ट्रांसफर कराकर मैं बिजनौर शहर में आया हूँ। क्या बात। चौकीदार साहब आज से 20-25 साल पुरानी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। 20-25 साल पुरानी बात? जी चौकीदार। क्या बात है सर? मेरा बिहारा भरा परिवार था, मेरे अम्मी जान थे, मेरी अम्मी जान थी और एक मेरी बहन थी जिसका नाम सांगना था। अपने अब्बू जान अम्मी जान से आज्ञा लेकर मैं कॉलेज पढ़ने गया। हाँ साहब। जब मैं कॉलेज से वापस आया, मैं अपने गांव में पहुंचा तो मेरे गांव वाले कहने लगे, रे सलमान तू यहाँ, तेरी झोपड़ी में तो आग लग गई है। मैं भागते भागते अपने घर पे आया तो क्या देखा? क्या सर? मेरी झोपड़ी में आग लग गई थी और अब्बू जान अम्मी जान उसी झोपड़ी में जल कर राख हो गई। मेरी बहन सामना, मेरी बहन सामना बैठ के रो रही थी, मुझे देखी और दौड़ के आई, मेरे गले से लग गई और कहने लगी, भैया अरे हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए, अब्बू जान अम्मी जान भी दुनिया में नहीं रह गए,
चौकीदार। हाँ साहब। मैं गांव वालों का मदद लेकर अम्मी जान अब्बू जान का कफन दफन किया, गरीबी झेलने लगा। मैं सोचने लगा यह परवरदिगार कब तक मैं गरीबी झेलूंगा। मैं अपनी बहन को लिवाकर ख्वाजा गरीब के दरगाह पर जियारत मांगने जा रहा था। जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचा, मैं ट्रेन पे बैठ गया और ट्रेन छूट गई और मेरी बहन उस गर्दी में ट्रेन पे नहीं बैठ पाई और मेरी बहन मुझसे सजा के लिए जुदा हो गई। मैं अगले स्टेशन पे पहुंचा, फिर वहां से वापस इस स्टेशन पे आया। मैं अपनी बहन का बहुत पता लगाया लेकिन मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला। यही बात है कि जब जब ईद का त्योहार आता है तो मेरे आंखों से आंसू की धार गिरती है। यही सोचता हूं कि आज मेरे अब्बू जान होते, मेरी अम्मी जान होती और बहन सामना होती तो ईद का त्योहार हंसी और खुशी से मनाता। भाई साहब, अल्लाह पाक परवरदिगार को जो मंजूर था वही हुआ साहब। आप अपने आप को धीरज रखिए साहब, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। एक न एक दिन आपकी बहन सामने आपको जरूर मिल जाएगी साहब। चौकीदार, तू कैसी बातें करता है? अरे 20-25 साल हो गए मेरी बहन मुझसे नहीं मिली तो अब कहाँ मिलेगी यार, मेरी बहन मुझसे नहीं मिलेगी यार। साहब, आपका दुख देखकर, आपका दुख सुनकर साहब मेरा भी कलेजा हिल गया साहब। आज मैं समझ गया कि आप ईद के त्योहार के दिन उदास क्यों रहते हैं साहब। मैंने आपका दिल दुखाया साहब, गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ साहब। इसमें गलती की कोई बात नहीं है चौकीदार, तूने मुझे अपना समझा, मुझसे पूछा, आज तो कोई चौकीदार मुझसे नहीं पूछा साहब। ऐसा करो चौकीदार जी साहब, चलो हम दोनों हल्के में चलते हैं। चलिए साहब हम लोग चलते हैं। चलो चौकीदार। आइए सर चलते हैं। अरे भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। और भाई जान सब खैरियत तो है? जी हाँ सब ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं आ रहा हूँ अपने दोस्त रामा के घर से मेरे भाई। क्या रामा के यहाँ गए थे? जी हाँ, मेरा दोस्त, ये देखो सेवई और चीनी और सारे कपड़े की व्यवस्था करके हाँ मुझे भेजा। भैया माने पर त्योहार दोस्तों का बहुत मानते हैं। जी हाँ, लेकिन भैया बहन भरे कपड़ा तो ले आए ना? जी हाँ, कपड़ा भी है। हाँ भैया कपड़े तो अच्छे। चला भैया ये तो अच्छी बात है, कम से कम अब आपके ईद का त्योहार तो कुशल हंसी खुशी से हो जाएगा मेरे भाई। भैया बहन के तो फीस भी अभी जमा करे के हुए? जी हाँ मेरे भाई, 6 महीने की फीस बाकी है। मेरे दोस्त ने मुझे पैसा दिया है, चल कर, आज तो त्योहार है, कल मैं अपनी बहन की फीस जमा कर दूंगा। अच्छी बात है भैया, चलो चला जाए। चलिए भैया, मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। हाँ भैया आओ, खुशी में तुम आज मेरे घर चलना है। अच्छी बात है भैया। या मालिक, क्या बताऊं, आज ईद का त्योहार है और हमारे भाईजान अपने रामा भैया दोस्त के पास गए हुए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं, मैं खुद ही जाती हूं अपने रामा भैया के घर पता लगाती हूं कि मेरे भाईजान अभी तक क्यों नहीं आए। अरे बदतमीज कहीं के, तुमको दिखाई नहीं देता? मैं रास्ते में चल रही हूँ, तुम मुझको धक्का मार के जा रहे हो, कौन हो तुम? वाह वाह, क्या साली आइटम है, क्या गोरा गोरा गाल है, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है।
वाह, आप तो जैसे आम के फांके हैं। अरे वाह, इसे मुमताज कहूं कि क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कमीने, ऐसे बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है, पागल हो गए हो? क्या बोल है, बोल तो जैसे कोयल की है। अरे वो लड़की, क्या है बोलो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे क्या कहना चाहते हो, जल्दी कहो, मुझे देर हो रहा है। मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रही गुल बदन ये सूरत धड़कता है सीना। आओ ना मेरी जान, बदतमीज करके पागल हो गए हो? गुलाबों की फूलों से बढ़कर के प्यारी बदतमीज, गुलाबों के फूलों से बढ़कर के प्यारी महकता है तन का तुम्हारे पसीना। जमीन बहुत मार मार आओ ना मेरी जान, बहुत मार। अरे मेरी जान, इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? अरे गुलाबों के फूलों से तो बढ़कर मेरी जान तुम्हारे बदन का पसीना महक रहा है। अरे कुत्ते कमीने हरामजादे, पहले मेरी बात सुन तू। की कमीना कुटिल नीच पापी कमीने, कमीना कुटिल नीच कमीना कुटिल नीच। अरे पापी कमीना, और मेरी राह रोके के अच्छा नकीना। जते कि नहीं लूट सकता है मेरी तू इज्जती, नहीं उम्र पे ध्यान अपने तू कीना, नहीं उम्र पे ध्यान अपने तू कीना। बाकी कहीं के कमीने, अरे शर्म कर, कम से कम इतना सोच कि मैं तेरी बेटी समान हूँ, और तू मुझसे ऐसी उल्टी सीधी घिनौनी बात कर रहा है। अरे एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा कुत्ते तू। अरे वाह, वास्तव में जब तुम गुस्से में बात करती हो तो बहुत मजा आता है मेरी जान। लेकिन मेरा नाम राम नगीना है, जो चीज मैं पसंद करता हूँ उसे हासिल जरूर करता हूँ। मेरी बात सुन, मेरे दिल में समाया भी तू ये गई प्यास, अपनी नगीना बुझाए अभी। लूट लूं तेरी इज्जत सरे राम, मैं आज बचकर यहां से न जा पाऊं। साली यार, तो मेरे दिल में बस गई है, मैं जो चीज पसंद कर लेता हूँ उसे हासिल जरूर करता हूँ। आज साली तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगी, और देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कौन आता है। पापी, मेरी बात सुन कमीने, जा रही ढूंढने अपने भैया को मैं, जाति से खिलवाड़ी ये कुत्ते ना करे। तुझको समय झाति भौरा जगत की कलम, तुझको समय झाति भौरा जगत की कलम। नीचता पाप तू
से बेशरम बेहया है क्या तू? अरे तुम ऐसी बात बोल रहे हो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बेटी नहीं है? ऐसे तुमको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? अरे तुमको तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ये घोर कलयुग है, इस कलयुग में जो करेगा शर्म उसकी फूट गई करम। पापी कम से कम अपना ये शकल तो देखो, जो लंगूर जैसे हो ना, एक थप्पड़ दूंगी तो मुंह पीछे घूम जाएगा। वाह, ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाकर भेजा है। वास्तव में एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, फिर जिंदगी में मजा आ जाए। कमीने, तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, तुम मेरे हाथ से लाख जूता पाओगे अभी। लेकिन मेरा नाम रगीना है, मेरा नाम राम नगीना है। जो चीज पसंद करता हूँ उसे हासिल जरूर करता हूँ। आ तो अपनी दिल की प्यास जरूर बुझाऊंगा। नहीं, देखता हूँ कि कौन आता है तुम्हें बताने के लिए। हराम जादी नहीं तो बुला दे। ए साली मेरे हाथ से निकलकर भाग गई। लेकिन मेरा नाम राम नगीना है। देखता हूँ कि साली तू भागकर जाती कहाँ है। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। बेटा भंडारी लाल। हाँ सेठ जी। बहुत थकावट आ गई बेटा। आ ही जाएगी। हाँ बेटा, थोड़ा हाथ पैर दाब दो बेटा। उम्र हो गई है सेठ जी। हाँ, मेरे भी दिल में अरमान है कि एक दिन मैं आपकी शादी अपने नजरों से देख लूं। क्या देखो बेटा, 65 साल हो गया, अब आखिरी शादी वही जनाजा जाएगा तभी होगा बेटा। कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपने आप को अकेला मत समझो सेठ जी। मैं जब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपको हरे हरे बांसों की डोली में बिठाकर, हाँ, चार लोगों के कंधे पर बिठाकर, हाँ, हाँ, आपको शमशान घाट का यात्रा ना करा दूं, तब तक मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे नौकर, बहुत अच्छे नौकर। वफादार हूँ सेठ जी। बहुत घबराई घबराई सी लग रही हो, बात क्या है? बाबूजी मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं बाबूजी। गुंडे? उसका नाम है राम नगीना, और वो मेरी इच्छा से खिलवाड़ करना चाहता है बाबूजी। मैं आपके हाथ जोड़ के घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये शेठ सुरमा भोपाली का दरवाजा है। और क्या, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ कोई कर नहीं पाएगा। हाँ, घबराने की बात नहीं। हाँ सेठ जी करो। हाँ, ये बहुत घबराई लड़की लग रही है जी। हाँ, इसको ले जाओ मेरे बेडरूम में, इसको नाश्ता पानी दो, मेरे बेडरूम में इसको रखो, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना। ठीक, जैसी आज्ञा सेठ जी। आइए, आप घबराइए मत, सेठ जी बहुत नेक दिल इंसान हाँ, हैं। ये गरीबों की मदद हमेशा करते रहते हैं। हाँ, हाँ। और इतना नहीं, हमारे सेठ जी हर बहन बेटी की इज्जत करते हाँ, हैं। हाँ। क्यों सेठ जी? जी, 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 आप आइए सेठ जी के बेडरूम में चलते हैं। भैया बहुत बात ठीक है, लेकिन आप मुझे किस लिए बेडरूम में ले जा रहे हैं भैया? अरे चिंता करने की बात नहीं है, आप चलिए बेडरूम में, थोड़ा आराम कीजिए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद में सेठ जी आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आप लोग का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी भैया। हम लोग एहसान करने के लिए पैदा ही हुए हैं। पैदा ही हुए हैं। चलिए भैया, आइए आइए, मेरे पास फिर आ जाना। आइए।